दोस्तों, बिहार इंटर लेवल परीक्षा 2024 को लेकर के एक अपडेट आया है, जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे बिहार इंटर लेवल परीक्षा 2024 एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम इसको लेकर के संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पर जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के उसका सबसे पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस एग्जाम को लेकर के कब तक इसका एग्जाम लिए जाएंगे और कब तक इसका एडमिट कार्ड आएगा, उसको लेकर के संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिहार इंटर लेवल एग्जाम डेट को लेकर के, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है जानकारी, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, जैसे कि बिहार इंटर लेवल स्तरीय जो एग्ज़ाम आप लोग को 2024 में होने वाला है, उसको लेकर के कब तक इसका एग्ज़ाम लिए जाएंगे और कब तक इसका एडमिट कार्ड आएगा, उसको लेकर के यहाँ पे दिया गया है जानकारी। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे जो बताया गया है बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट 2024, यानी कि जैसे कि ओवरऑल यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे जो आप लोग को एग्ज़ाम को लेकर के, तो ये जो है आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि अभी आप लोग को चुनाव चल रहा है, ठीक है, तो चुनाव जैसे आप लोग को मई हो गया, ठीक है, तो मई में जो है अभी मतलब ये तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर के इसमें आप लोग को दिया गया है ये अपडेट, उसी को चलिए हम डायरेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पे बताया भी गया है कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट 2024 कब तक इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और किस मंथ में लिया जाएगा, कब तक एडमिट कार्ड आएगा, उसको लेकर के डिटेल जानकारी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट 2024 लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, ये आप लोगों को सबसे लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोग को इसमें पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, विभाग जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आप लोगों को 12th लेवल पर ये रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के फाइनली यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो इंटर लेवल एग्ज़ाम है जुलाई 2024 में इसका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया है। ठीक है, और भी सारी जानकारी इसमें दिया गया कि जुलाई में किस मंथ में इसका एडमिट कार्ड आ सकता है, वो भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे बिहार इंटर स्तरीय कर्मचारी परीक्षा 2024 एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तो ये जो आप लोग को जो है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इस एग्ज़ाम को लेकर के हम बात करें तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिहार इंटर लेवल एग्जाम डेट 2024 के इंतजार करें सभी युवाओं के लिए एक अच्छा खबर है कि इसका जो है लोकसभा चुनाव के बाद, जैसे इसका मतलब लोकसभा चुनाव के बाद ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप लोग को ये एग्ज़ाम जुलाई में फाइनल होने ही जा रहा है। ठीक है, और ये आप लोग को पेपर में ही अपडेट दिया हुआ था, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 को लेकर के इसमें दिया हुआ है कि इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ कि 3 माह के बाद होगी इंटर के स्तरीय परीक्षा। ठीक है, जैसे कि चुनाव आ गया बीच में, जिसके कारण इस डेट को पोस्टपोन कर दिया गया, नहीं तो अब तक इसका एग्ज़ाम हो गया होता है। ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल आप लोगों को इसमें दिया गया जो आप लोग को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग को हम जुलाई में बताए उसी के अकॉर्डिंग इसका एग्ज़ाम आप लोग को लिए जाएंगे। ठीक है, जुलाई या अगस्त भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आप लोग को बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम है, बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये भी आप लोग को जो है बीएसएससी इंटर लेवल वाला भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इन तीन एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही ये है। ठीक है, और इन तीनों एग्ज़ाम को लेकर के जुलाई अगस्त में ये सारे एग्ज़ाम आप लोग को कंटिन्यू होने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए इस एग्ज़ाम को लेकर के। इस चैनल पर कम्प्लीट डिटेल में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिससे आप लोग यहाँ से जुड़ करके बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिहार इंटर स्तरीय कर्मचारी भर्ती 2024 आंकड़ों की एक नज़र। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप लोग देखेंगे इसमें और भी डिले होने का कारण क्या है, तो इसमें जो बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 है, इसमें 12,199 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आया था, जिसमें इस भर्ती के तहत कुल 25 यहाँ पे देखेंगे तो 25 लाख जो है, लगभग 25 लाख के आसपास जो है छात्रों ने इसको जो है फॉर्म को फिलअप किए हैं। ठीक है, 25.50 लाख जो है छात्र ने इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो पोस्ट है किस किस पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आया, तो तहसील हो गया, राजस्व कर्मचारी हो गया, पंचायत हो गया, सचिव हो गया, और फाइलेरिया हो गया। ठीक है, फाइलेरिया हो गया, निरीक्षक। ठीक है, इन सभी पोस्ट पर लेकर के एग्जाम, मतलब इन सभी पोस्ट पर लेकर के ये आप लोग को रिक्वायरमेंट आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके तहत आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो सारी डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग को इंतज़ार जो है, जैसे यही है कि आप लोग को तैयारी में जुटे रहना है,
और इस चैनल से जुड़ जाना है, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर से तैयारी कर पाए। क्योंकि अब जो है आप लोग को लगभग, जैसे कि अभी मई चल रहा है, ठीक है, और मई जैसे आपको ख़त्म होगा, जून के बाद जुलाई में आप लोग को इसका एग्ज़ाम होने ही जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 2.5 से 3 महीना आप लोग के पास समय है, और जिसके तहत आप लोग इस चैनल से जुड़ करके भी बेहतर से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।